हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर कान्हा जी को ले लिया है और ऐसे हम चोली पहनाएंगे। फिर आगे से हमें ये नेपी ले जानी है और चोली के ऊपर रख कर सेट करते हुए हमें ये नेपी बांध देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है। मैं पीछे की तरफ से भी आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। ये डार्क ग्रीन कलर का ऊन है और मोटा ऊन था, तो इसलिए मैंने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन ले रहे हैं तो डबल करके भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने देखिए ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है, तो आप 10 और 11 दोनों में से कोई भी क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमें एक लूप बनाना है और ये जो लूप हमने बनाई है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेकर हमें लूप में से निकाल कर खींच के टाइट करना है। तो ये लॉक हो गया। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। टोटल हमने 12 यानी कि 12 चेन बनाई है। अब टोटल 2 चेन हमें छोड़नी है। तो एक चेन देखिए क्रोशिया में है, फिर उसके नीचे वाली भी एक चेन हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशिया बन गई है। फिर से इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। ये बहुत ही सिंपल और आसान ड्रेस है, पर एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब हम ये चेन बनाएंगे ना तो हमें थोड़ी सी ढीली ढीली चेन बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट चेन नहीं बनानी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे चेन को ना तो पहली लाइन बीनने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने थोड़ी सी ढीली बनाई है चेन, तो कितनी आसानी से बीनते हुए मैंने ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। तो मैंने ये लास्ट चेन में से भी देखिए सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है और अब ये पहली लाइन पूरी हो गई है। हमें इसको पलटना है, तो जब भी हम इसको पलटेंगे तो पहले हमें 2 चेन बनानी है, क्योंकि अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो हम सिर्फ एक चेन बनाते हैं, पर डबल क्रोशिया हम बनाएंगे तो इसीलिए हमने देखिए ये 2 चेन बनाई है। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। मैं फिर से बताती हूँ, देखिए हमने एक चेन पहले से है, फिर क्रोशिया में उनको लपेट लिया है। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे। यहाँ पे 3 फंदे हो गए हैं, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ऐसे ही अब हर एक चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। अभी हमें कुछ भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम बीनते जाएंगे। बहुत ही देखिए इजीली हम इसको बीन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ लोगों का हाथ थोड़ा टाइट चलता है तो वहाँ पे बीनने में प्रॉब्लम आती है, पर हमें थोड़ा सा ढीला ढीला बीनना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बीनेंगे ना तो ड्रेस मुलायम नहीं बनेगी। लास्ट तक हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है और अब हम इसको फिर से पलट लेंगे। तो पलटने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, सभी लाइंस की शुरुआत में पहले हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हमें एक पट्टी तैयार करनी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पट्टी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने इतनी लंबी पट्टी बना ली है। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी लाइंस बिनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मैंने 9 लाइन बनाई है, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम इसको तिरछे में बढ़ाएंगे थोड़ा सा दोनों तरफ से। तो हमें देखिए पहले 2 चेन बनानी है, और जहाँ से अब हमने चेन बनाई उसी में से हम एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो जो हमने चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसी में से हमने एक और डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब बीच की सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से ना ये तिकोने में थोड़ा सा चौड़ा होता जाएगा। तो अभी जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी तो आपको लुक समझ में आएगा। बीच में से तो हमें सिंपल देखिए एक एक बार बस डबल क्रोशिया बनाते जाना है लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट तक डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन और बची है, इसमें से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो एकदम लास्ट वाली चेन है उसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बार। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। क्या किया हमने, पहली वाली जो चेन थी उसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन बनाई वो भी डबल क्रोशिया थी, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाई तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर बीच की सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, और अब ये जो एकदम लास्ट वाली चेन थी इसमें से भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर से हम इसको पलट लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, और जहाँ से हमने चेन बनाई उसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब बीच की सभी चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बीच की सभी चेन में से हमने देखिए फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है, और अब जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हम फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 और इसी में से ये देखिए 2, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये तिरछे में चौड़ा होने लगा है। ऐसे ही 2 लाइन और हमें बीन के कंप्लीट करनी है। पहली और लास्ट वाली चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच की सभी चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही 2 लाइन और बीन के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 लाइन और बीन के कंप्लीट कर ली है, और अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। आगे की तरफ से देखेंगे चौड़ा हो गया है। अब हम कान्हा जी के लिए नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने से पहले हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेते हैं कितनी चेन हो रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 यानी कि 16 चेन हो रही है। तो अब हम इसको पलटेंगे और 2 चेन बनाएंगे। ये जो 2 चेन बनाई हमने इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर इसके आगे की 3 चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाई, ये 2 है और ये 3 है। तो चेन को लेकर अब देखिए टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 1 2 3 4। अब हमें 8 चेन बनानी है, ढीली ढीली चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 चेन हमने बनाई। अब नीचे से भी 8 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जो 9th चेन है इसमें से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए नेक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आगे 3 चेन और बची है, तो उसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इधर भी 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि हमने शुरू में भी 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। कंप्लीट करने के बाद अब देखिए नेक का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको पलट लेना है, और पलट कर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इधर तो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, तो उसमें से हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए डबल क्रोशिया हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब ये जो हमने चेन बनाई है इसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने पहले ही ढीली ढीली चेन बनाई है, मैंने आपको पहले ही बताया था ढीली ढीली चेन बनानी है, तो इसलिए अब चेन में से डबल क्रोशिया बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने 8 चेन टोटल बनाई थी, तो 8 डबल क्रोशिया भी हम बनाएंगे सभी चेन में से एक एक बार। ये देखिए
ये पांच डबल क्रोशिया मैंने बनाई है, ये छः, ये सात, और लास्ट में ये एक देखिए आठ। तो आठ चेन में से हमने आठ डबल क्रोशिया बना ली। अब इधर किनारे पे भी चार चेन बची है, इसमें से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, उसी में से एक एक बार और बना लेंगे, तो ये पूरी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको पलटना है, पलटकर दो चेन बनानी है, और अब हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद दो लाइन और ऐसे ही बनानी है, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल तीन लाइन और हमें बीन के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर की तरफ से भी तीन लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है, और अब लास्ट में हम इसको लॉक करेंगे। तो हमें ऐसे एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे, और हमें अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है। अब आप चाहें तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊन कट कर सकते हैं, पर मैं इसी में फंसा देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कट करने के बाद जो हमने नॉट लगाई है वो खुल जाती है और ड्रेस ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा ऊन है वो कट नहीं करती हूँ, इसी में फंसा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कान्हा जी की ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसमें लगाने के लिए डोरी बनानी है, तो डोरी बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आप किसी भी कलर का ऊन यूज़ कर सकते हैं। तो डोरी बनाना तो बहुत सिंपल है, हमें ऐसे लूप बनाना है, लूप के अंदर क्रोशिया डालनी है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल कर लॉक करना है। अब सिंपल सी हम चेन बनाते जाएंगे, ऐसे चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बीनकर तैयार करनी है। तो आप जितनी भी लंबी डोरी बनाना चाहें उसके हिसाब से आप उतनी चेन्स बना सकते हैं। मैं हमेशा थोड़ी सी लंबी डोरी बनाती हूँ, जिसकी वजह से कान्हा जी को ड्रेस पहनाना आसान हो जाता है। हमने डोरी बनाकर भी तैयार कर ली है, और अब यहाँ नीचे की तरफ से हमने जो डबल क्रोशिया वाली पहली लाइन बनाई है, तो एक डबल क्रोशिया के बाद जो ये गैपिंग है यहाँ से हम डोरी निकालेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ के जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डाल लेंगे। फिर से हमें दो डबल क्रोशिया छोड़नी है, और जो गैपिंग है यहाँ से देखिए डोरी निकालनी है। बहुत ही आसान तरीके से डोरी पड़ जाएगी, डोरी डालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे करके हमें लास्ट तक डोरी डाल लेनी है, और डोरी डालने के बाद अब देखिए हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।